कि वाई एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन फेल्स। ऐसा क्या है कि सब कुछ हम करते हैं, सब कुछ हमारे डॉक्टर करते हैं, बट फिर भी जब 15 दिन के बाद रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट नेगेटिव होता है? व्हाट कुड बी द रीजन मैम? देखिए, जब एक पेशेंट IVF कराता है, बहुत आशा के साथ वो डॉक्टर के चैम्बर में आता है और बहुत आशा के साथ अपना ट्रीटमेंट करता है, और अब उसको लगता है कि अब उसके जो उसके दुख के दिन थे वो खत्म हो गए हैं, अब वो पॉजिटिव हो जाएगा। IVF कराया तो दैट मीन्स इट्स अ फाइनल, नाउ शी इज गोइंग टू बी मदर। बट द मोमेंट शी गेट्स यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, वो हमारे पास आने से पहले ही खुद बाथरूम में इतना रो लेती है जब वो अपना नेगेटिव रिजल्ट देखती है। तो IVF का मतलब ये नहीं है कि IVF में आप 100% सक्सेस हो, नो वेयर इन द वर्ल्ड नो ट्रीटमेंट कैन बी 100% सक्सेसफुल। बट ऑफ कोर्स अगर हम अच्छी टेक्निक यूज करें, प्रॉपर ड्रग्स यूज करें और प्रॉपर केस सेलेक्शन, बेसिकली हर पेशेंट का जरूरी नहीं है IVF में सक्सेसफुल हो। IVF में सक्सेस होने की दो चीजें हैं, एक अच्छा एम्ब्रियो हो और एक गुड यूट्रस हो। बेसिकली इट इज ए क्रॉस टॉक और इट इज ए प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द गुड यूट्रस एंड ए गुड एम्ब्रियो। तो हमें ये सब चीजें देख के ही अगर हम करेंगे, केस को सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर सेलेक्शन करें पेशेंट का, क्या उसकी एज है, क्या उसका वेट है, क्या उसका BP ब्लड प्रेशर है, क्या उसको डायबिटीज है या कोई और डिजीज है, वो प्रॉपरली कंट्रोल है या नहीं। ये नहीं है कि हम पूरा हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटिक पेशेंट को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट हमें उसको प्रॉपरली कंट्रोल अगर हमने कर रखा है, उसके कोई हाई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, यूट्रस की क्वालिटी उसकी कैसी है, उसमें कोई रसौली, कोई फाइब्रॉइड, कोई सिस्ट तो नहीं है, वो प्रॉपरली ट्रीट करके उसमें हमें IVF ट्रीटमेंट में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। पेशेंट अगर आया है तो इमीडिएटली हमें उसे IVF में नहीं ले जाना चाहिए, पहले उसको हमें पूरा वर्कअप करना चाहिए, प्रॉपर वर्कअप करके उसको फिट करना चाहिए, तब हमें IVF में करना चाहिए जाना चाहिए। और IVF में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी होने के कई कारण हो सकते हैं, के द्वारा एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का बन सकता है। हमने उस एम्ब्रियो के लिए, मतलब जो गैमेट बनाने के लिए हमने जो ड्रग्स लिए हैं वो किस क्वालिटी के लिए हैं, पहली चीज ड्रग्स। दूसरी चीज ये है कि कितने एक्सपीरियंस डॉक्टर को, आजकल हर हर गली में एक IVF सेंटर खुल रहा है, दे आर मशरूमिंग, IVF क्लिनिक्स आर मशरूमिंग, बट पेशेंट को देखना चाहिए वो किस डॉक्टर के पास जा रहा है, क्या एक्सपीरियंस है और बेसिकली उसकी लैब कितनी इक्विप्ड है। हम एक IVF की लैब एक छोटी सी 2 मशीन लगा के भी कर सकते हैं और 50 मशीन्स के साथ भी कर सकते हैं, तो हमें देखना चाहिए क्या क्या टेक्निक हमें यूज करनी है। तो ये सब चीजें अगर हम देख के सेलेक्ट करें प्रॉपर, तब हमारा रिजल्ट जरूर अच्छा जाएगा। और सिंपल एम्ब्रियो ट्रांसफर की जगह अगर हम ब्लास्टोसिस्ट डालें ट्रांसफर में, मतलब नॉर्मली एम्ब्रियो जो होता है वो 2 दिन या 3 दिन, 48 आवर्स या 72 आवर्स का की ग्रोथ का एम्ब्रियो होता है, बट अगर हम उसे बड़ा ज्यादा दिन का ग्रो करके, मतलब 120 आवर्स, मतलब 5 डेज का अगर एम्ब्रियो डालें, जिसको कि हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, वो अगर हम यूट्रस में डालेंगे तो उसका अटैचमेंट होने का ज्यादा चांसेस होता है और सक्सेस 70-80% आ जाती है।